नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाईकोर्ट ने सरकार की व्यवस्थाओं को बताया फेल। आज से शाम 6 बजे के बाद रहेगा नाइट कर्फ्यू। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। बिहार सरकार के मंत्री मरीजों को मुफ्त में खिलाएंगे मछली भात। देश भर में 24 घंटे में दर्ज किए गए रिकॉर्ड तोड़ मामले। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पटना के NMCH में जूनियर डॉक्टरों ने की शर्त के साथ काम करने की बात। पटना स्थित NMCH में मंगलवार को एक बार फिर एक मरीज की कोरोना से मौत हो जाने के बाद परिजनों द्वारा डॉक्टर के साथ जमकर बदसलूकी और तोड़फोड़ करने के बाद बुधवार को वहां के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद देर रात DM SSP सहित अन्य अधिकारियों ने बैठक कर उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन देने पर जूनियर डॉक्टर्स देर रात ही शर्त के साथ काम पर लौट आए। जानकारी के मुताबिक आज उनकी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव के साथ बैठक करने का भी आश्वासन दिया गया है। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल NMCH में जूनियर डॉक्टर्स ने बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने, परिजनों की एंट्री को रोकने, अतिरिक्त वार्ड बॉय और नॉन एकेडमिक JR डॉक्टर्स की नियुक्ति करने व दूसरे अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने के शर्त पर काम करने की बात कही है। हाईकोर्ट ने सरकार की व्यवस्थाओं को बताया फेल। राज्य में बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट खुद ही व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में जुट गया है और कोर्ट द्वारा बनी एक्सपर्ट कमेटी हर रोज जमीनी हकीकत की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस बीच कमेटी ने चौंकाने वाले रिपोर्ट पेश किए हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था और कोविड बीमारी को रोकने के एक्शन प्लान को गलत करार दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण PMCH, IGIMS और मेदांता हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए तकरीबन 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं और अस्पताल प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ 500 बेड वाले मेदांता हॉस्पिटल में अब तक तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू नहीं हो पाई है। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को इन सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई 24 घंटे कंटिन्यू करने का निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने इस आपात स्थिति में राज्य में डॉक्टरों की 46,000 से ज्यादा पद खाली रहने के मसले पर भी सरकार से जवाब मांगा है। आज से शाम 6 बजे के बाद रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में आज से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। गृह विभाग द्वारा केसों की संख्या बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत आज से राज्य में शाम 4 बजे के बाद सभी प्रकार की दुकानों को बंद रखना होगा। वहीं नाइट कर्फ्यू भी अब रात के 9 बजे के बजाय शाम 6 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि सुबह के 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही आज से पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत बिना वजह कोई भीड़ लगाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ शादी में सिर्फ 50 लोग, श्राद्ध में 25 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। ये आदेश 15 मई तक के लिए लागू है। बिहार सरकार बनाएगी ऑक्सीजन संकट से निपटने की नीति। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन संकट का दौर देखने को मिला, जिसके तहत भविष्य में ऐसा संकट दोबारा न आए इसे लेकर बिहार सरकार नई नीति लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन की इकाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसेंट्रेटर, बाईपाइप आदि के निर्माण से जुड़े उद्योग लगाने पर सरकार विशेष अनुदान देने पर विचार कर रही है। इसके तहत ऑक्सीजन और उससे जुड़े चीजों के निर्माण इकाइयों को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। इसके लिए राज्य में व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन के उत्पादन और लिक्विड ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता भी खत्म करने की योजना बनाई गई है। यह काम निजी क्षेत्र की मदद से किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर कंसेंट्रेटर और बाईपैप जैसे मेडिकल उपकरण बनाने वाली कोई भी इकाई नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री मरीजों को मुफ्त में खिलाएंगे मछली भात। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री और VIP पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अनोखा ऐलान किया है। उन्होंने कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों को निशुल्क भोजन कराने की बात कही है। इसके तहत उनके द्वारा पटना की प्रमुख कोविड अस्पताल NMCH, PMCH, IGIMS, एम्स सहित सभी सरकारी अस्पतालों में पीड़ितों व परिजनों को माछ भात व शाकाहारी खाना सुबह शाम उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत बुधवार से हो भी गई है, जहां पहले दिन NMCH और PMCH में लोगों को कूपन के माध्यम से खाना उपलब्ध कराया गया। वहीं पार्टी इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी, जिसके माध्यम से लोगों को सुबह शाम खाना उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस खाना को मंत्री आवास पर उन्हीं की देखरेख में तैयार और पैक कराया जा रहा है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों में इसे बांटने का काम करेंगे।
पटना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा 100 बेड वाला अस्पताल। राजधानी पटना में बेडों की कमी को दूर करने की कवायद चल रही है, जिसे लेकर अब बिहार सरकार द्वारा पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि अगले 2 से 3 दिनों में बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस अस्थायी अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर दवाएं उपलब्ध रहेंगी, ताकि यहां भर्ती होने वाले मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं के अभाव में कहीं और भटकना ना पड़े। बता दें कि पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने यहां अस्थायी अस्पताल बनवाया था। इसके साथ ही यहां मरीजों को समय पर खाना खिलाने के लिए किचन की भी व्यवस्था होगी। राज्य में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का बड़ा मामला आया सामने। ऑक्सीजन की कमी के बीच पटना से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एसकेपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी से छापेमारी कर किराए के मकान में चल रहे दफ्तर से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप को जब्त किया। मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दफ्तर मालिक कटिहार का रहने वाला बताया गया है। इसके तहत सभी आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ही सिलेंडर आए थे। वहीं एक 5 लीटर के सिलेंडर को 10,000 रुपये में बेचा जा रहा। 18 वर्ष के ऊपर के लोग को टीका लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जारी। बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे, जिसके लिए कल शाम 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है। अगर आप भी 1 मई से टीका लगवाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिए इच्छुक लोगों को कोविन ऐप या फिर kowin.gov.in वेबसाइट पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण के लिए पहले आपको ऐप या फिर वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर फीड करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP को वेरीफाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आपको अपने ID प्रूफ का नंबर, अपना नाम, जेंडर और जन्मतिथि भरनी होगी। सारी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप पसंदीदा वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं। इसके बाद आपको टीका लगवाने की तिथि और समय की जानकारी भी मिल जाएगी। श्रेयसी सिंह ने रखी कुशल ऑपरेटर भेजने की मांग। जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने जमुई सदर अस्पताल में रखे वेंटिलेटर को चलाने के लिए कुशल ऑपरेटर की मांग सीएम नीतीश कुमार से की है। इस दौरान जिले में एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि वह लगातार जिले के आला अधिकारियों एवं सिविल सर्जन के संपर्क में बनी हुई है। वहीं उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए जमुई प्रशासन को पूरी तरह से सक्षम बताया है। उन्होंने कहा कि जमुई में ऑक्सीजन और चिकित्सक की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने के साथ ही सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील की। आपको बता दें कि जमुई से सांसद चिराग पासवान ने भी पत्र लिखकर राज्य सरकार से वेंटिलेटर के लिए कुशल टेक्नीशियन भेजने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा सौपिंडवार हुए होम क्वारंटीन। जनता दल यूनाइटेड से MLC उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए दी है। दरअसल वे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अपनी बेटी और दामाद के साथ हैं। इस बाबत उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनकी पत्नी और दामाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनकी बेटी के भी स्वास्थ्य अच्छे नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरे परिवार के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इससे पहले भी उन्होंने अपने दामाद की तबीयत खराब होने के बाद से बेटी के साथ दिल्ली में रहने की बात को ट्वीट कर कही थी। आपको बता दें कि दिल्ली में फिलहाल बढ़ते संक्रमण की वजह से साप्ताहिक लॉकडाउन भी जारी है। RJD सुप्रीमो लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। अब बेल बॉन्ड, मुचलके की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकील अदालत में जा सकेंगे। दरअसल लालू यादव को जमानत पहले ही मिल गई थी, मगर जमानत के लिए बॉन्ड भरने के लिए उनके वकील को कोर्ट में जाना था, मगर बढ़ते संक्रमण के कारण पूर्व में बार काउंसिल ने वकीलों को कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल नहीं होने का आदेश दिया था। वहीं अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपने आदेश में जारी कर कहा है कि जमानत मिलने के बाद भी किसी को जेल में रखना उसके अधिकारों का हनन है। ऐसे में वकीलों को अदालती प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जाना उचित नहीं है, जिसके बाद वकीलों को अदालत में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश मिल गया है। इस फैसले के बाद लालू प्रसाद की जमानत की सभी कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे जेल से बाहर निकल पाएंगे। राज्य में एक कुलपति को मिली 4 विश्वविद्यालयों को संभालने की जिम्मेदारी। सूबे में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को एक साथ 4-4 यूनिवर्सिटीज के कुलपति के रूप में प्रभार संभालने का दायित्व दिया गया है। इसके तहत उन्हें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया है। आपको बता दें कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति प्रोफेसर SM करीम के इस्तीफा देने के बाद यह पद पिछले दिनों से रिक्त था। इससे पहले बिहार राजभवन ने सुरेंद्र प्रसाद सिंह को LNMU के कुलपति के अलावे पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया था। वहीं 4-4 विश्वविद्यालयों का दायित्व संभालने की बात पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे उठाना ही पड़ता है।
भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ ने दी कोविड-19 को मात। कोविड-19 की चपेट में आम लोगों के साथ साथ ही भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कई कलाकार आ गए थे, जिसमें से एक निरहुआ भी थे। हालांकि खबरों की माने तो निरहुआ ने कोविड-19 को मात दे दी है, जिसके तहत निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी खुद भी दी है और लिखा है कि आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आपको बता दें कि निरहुआ ने 14 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट कर ये जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आम्रपाली दुबे, कल्लू विनय आनंद समेत कई लोगों ने उन्हें बधाई भी दी है। आईपीएल के दो अंपायर हुए लीग से आउट। आईपीएल 2021 के इस सीजन में लगातार कई झटके आ रहे हैं। अब सीजन के दो अंपायरों ने भी बीच में ही लीग को छोड़ने का ऐलान किया है। इसके तहत भारत के दिग्गज अंपायर नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल रिफेल ने इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक इंदौर के रहने वाले मेनन की पत्नी और माँ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, इसी के चलते मेनन ने आईपीएल में फिलहाल अंपायरिंग से हटने का फैसला किया है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन अंपायर रिफेल ने भारत में बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के यात्रा प्रतिबंध लगाने के कारण आईपीएल से हटने का निर्णय लिया है। देशभर में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड तोड़ मामले। देशभर में बीते 24 घंटों में एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा आया है, जो कि काफी चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान मौत का आंकड़ा भी 3,500 के पार चला गया है। बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 3,645 लोग कोरोना से बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,83,76,524 पर पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना के अभी तक 30,84,814 एक्टिव मरीज हैं और अब तक कुल 1,50,86,878 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के रिपोर्ट के मुताबिक कुल 13,374 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 8,818 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जिसके साथ ही बिहार में एक्टिव केस की संख्या 98,747 हो चुकी है। बिहार में रिकवरी रेट भी घटकर 77.09% हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार भारत में कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल को स्थगित करना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।